हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप देख सकते हैं कि बहाली की मांग को ले अभ्यर्थियों ने किया है बैठक। आपको जानकारी के लिए से पहले बता दूं कि बिहार में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया जल्द शुरू करने को लेकर के बिहार टीईटी सीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की तरफ से काफ़ी लंबे समय से बैठक की जा रही है। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या बैठक करने से जो है बिहार टीईटी पास अभ्यर्थियों की बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। काफ़ी लंबे समय से मैं आज तक जितना भी न्यूज देखा हूँ बिहार टीईटी सीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की तरफ से, आज तक हर एक वीडियो मेरा आप देखे होंगे उसमें भी कभी बैठक कर रहे हैं सर्टिफिकेट जल्द जारी करने को लेकर के, तो कभी रिजल्ट जारी करने को लेकर के। आज आप बैठक में देख सकते हैं बहाली प्रक्रिया जल्द शुरू करने को लेकर के। लेकिन क्या सिर्फ बैठक करने से बहाली प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी? सर, अगर आप ये हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बैठक के अलावा जो है कुछ और करें ताकि बिहार टीईटी पास अभ्यर्थियों की बहाली प्रक्रिया जल्द शुरू हो सके, क्योंकि बिहार टीईटी सीईटी उत्तीर्ण काफ़ी लंबे समय से बैठक करते हैं। ये न्यूज़ जो है हर मीडिया में हमेशा आते हैं और न्यूज़ चैनल पर भी दिखाया जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है बैठक ही करते हैं। आगे आप न्यूज़ में देख सकते हैं कि बहाली की मांग को लेकर सभी ने जिला प्रशासन के प्रति घोर नाराजगी व्यक्त की है। बैठक के उपरांत एक कार्यकारिणी का भी गठन किया गया है और उसके बाद सभी को उसके कार्य से अवगत कराया गया है। बैठक में अध्यक्ष उत्तम कुमार ने कहा है कि सभी अभ्यर्थी प्रशिक्षित है, लेकिन अभी तक सरकार जो है इन अभ्यर्थियों की बहाली प्रक्रिया जल्द शुरू नहीं कर रही है। सरकार को विलंब सभी प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को बहाल करने की जरूरत है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि सरकार उन सभी के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। अगर समय रहते बहाली नहीं की गई तो आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस मौके पर कई सदस्यों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आंदोलन की रूपरेखा जो है कब तैयार किया जाएगा, क्या 2018 में बिहार टीईटी पास अभ्यर्थियों की बहाली होगी या फिर नहीं होगी, क्या 2019 में आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी बिहार टीईटी सीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की तरफ से। फाइनली अब देखना है कि बिहार टीईटी सीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों कब तक जो है लगातार बैठक पे बैठक करते हैं, इसका परिणाम क्या निकलते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर